राउंड शेप्स और सर्कल्स, दीज शेप्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। सन इज राउंड, मून इज ऑल्सो राउंड। शायद यही कारण रहा होगा कि हर एंशियंट सिविलाइजेशन में लोगों ने इन शेप्स को पहचाना, इनको स्टडी किया, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया। लगभग हर प्राचीन सभ्यता में लोगों को ये पता था कि किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो फिक्स होता है, और इसी रेशियो को बोला जाता है पाई। सो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स डायमीटर। अब सवाल ये उठता है कि पाई की वैल्यू हमने फिगर आउट कैसे करी, कैसे हमें पता चला कि पाई इज बिटवीन 3 और 4, कैसे 2000 सालों तक हम लगातार एक ही मेथड को यूज करते रहे, और यही मेथड बाद में जाके मेथड ऑफ एग्जॉशन यानी कि थकान देने वाला मेथड इस नाम से जाना गया। कैसे एक इंसान ने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजार दिए और फिर भी वो सिर्फ 35 डिजिट्स के बारे में ही पता लगा पाया, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। सो आखिरी तक मेरे साथ में बने रहिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरीके का कॉन्टेंट देखने के लिए। सबसे पहला मेथड, हम 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर इसको काट कर एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इसकी सर्कमफेरेंस मेजर कर सकें। स्ट्रेट लाइन की लेंथ मेजर करेंगे, दैट विल बी आवर सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस को जब अपन डायमीटर जो कि 2 सेंटीमीटर है इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी पाई की वैल्यू, दैट इज 3.1। इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं हम उस इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन से ज्यादा प्रिसीजन के साथ में कभी भी पाई की वैल्यू को फिगर आउट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम रेगुलर स्केल यूज करेंगे तो हम डेसिमल के बाद में 1 डिजिट से ज्यादा प्रिसीजन के साथ में कभी भी पाई की वैल्यू को फिगर आउट नहीं कर सकते। अगले मेथड के अंदर हम लोग कुछ भी मेजर नहीं करेंगे, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेजर करने में हमेशा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रिसीजन की लिमिटेशन रहेगी। तो अगले मेथड में हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्री का और फाइंड आउट करेंगे पाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन के साथ में। मेथड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के अंदर एक हेक्सागन इंस्क्राइब करेंगे। ये जो हेक्सागन है इसके आमने सामने वाले वर्टिसेस को जब ज्वाइन करोगे तो ये जितने भी छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ये सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। इसका मतलब हेक्सागन की हर एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। यानी कि हेक्सागन की जो टोटल बाउंड्री है हम सारी की सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी 6। अब सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो पक्का हेक्सागन की बाउंड्री से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि सर्कमफेरेंस इज ग्रेटर देन 6। और पाई किसके बराबर होता है, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो अगर आप सर्कमफेरेंस की जगह पर हेक्सागन की बाउंड्री यूज करोगे, 6 यूज करोगे, तो आप 100% गारंटी के साथ में कह सकते हो कि पाई विल बी ग्रेटर देन 6/2, यानी कि पाई विल बी ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से हमने पाई की जो लोअर बाउंड की वैल्यू है वो पता लगा ली। सेम मेथड को यूज करके हम लोग पाई की अपर बाउंड वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। अब की बार हम सर्कल को एक हेक्सागन के अंदर इंस्क्राइब करेंगे और इस हेक्सागन की जो हर एक साइड है उसकी लेंथ हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप सेंटर से ज्वाइन कर दो कोई भी 2 वर्टिसेस को और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो हेक्सागन की साइड के ऊपर। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो रेडियस है, इसका मतलब उसकी लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, यानी कि पक्का जो बेस है जिसको मैंने यहां पर एक्स से डिनोट किया है वो तुम निकाल सकते हो। कैसे, 10 60 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 1/x, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां से पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, 1/√3 हो जानी चाहिए, यानी कि हर एक साइड की जो लेंथ है वो 2/√3 डबल हो जानी चाहिए, यानी कि हेक्सागन की जो बाउंड्री है वो हो जानी चाहिए 6 × 2/√3, यानी कि 12/√3, और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × √3, यानी कि पाई जो है अब की बार सर्कमफेरेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे सर्कल की सर्कमफेरेंस कम है हेक्सागन की बाउंड्री के कंपैरिजन में, यानी कि डेफिनेटली पाई विल बी लेस देन 4√3/2। डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि पाई विल बी लेस देन 3.4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं पाई की वैल्यू 3 और 3.4 के बीच में होनी चाहिए।
अब आप बोलोगे सर ये कैसा मेथड हुआ, इसमें तो हम बहुत दूर हैं पाई की एक्चुअल वैल्यू से। अब यहीं पर एक कैच है, तुम जितनी ज्यादा साइड्स वाला हेक्सागन ड्रॉ करोगे तुम उतनी ज्यादा प्रिसीजन के साथ में पाई की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो। इस मेथड को यूज किया था आर्किमिडीज ने अराउंड 200 BC और अपने लाइफ टाइम के अंदर उन्होंने 96 साइड्स वाले पॉलीगन को यूज किया था और डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स की प्रिसीजन तक पाई की वैल्यू फिगर आउट करी थी। दैट्स ऑल प्रिसीजन वी नीड फॉर एनी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इवन नाउ। अगर हमें प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में यही प्रिसीजन चाहिए तो हम क्यों पीछे पड़ गए पाई की डिजिट्स के? लगभग 2000 साल तक यही खेल चलता रहा। लोग अपनी मैथमेटिकल पावर को शो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइड्स वाला पॉलीगन इंस्क्राइब करते सर्कल के अंदर और ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन के साथ में कुछ और डिजिट्स पाई की फिगर आउट करने की कोशिश करते। ये खेल 17वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते इतना खतरनाक हो गया था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। एक डच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लुडोल्फ वैन कुन। ये अपनी जिंदगी के 25 साल तक सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड का यूज करते रहे, ज्यादा से ज्यादा साइड्स के पॉलीगन को इंस्क्राइब करने की कोशिश करते चले गए और इन्होंने 2^62, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इतनी साइड्स के पॉलीगन को इंस्क्राइब किया सर्कल के अंदर और इतनी मेहनत करने का जो परिणाम था वो ये था कि वो सिर्फ 35 डिजिट्स तक पाई की वैल्यू को प्रिसीजन के साथ में फिगर आउट कर पाए। तो इतनी ज्यादा मेहनत और उसका इतना छोटा सा रिजल्ट, शायद इसीलिए इस मेथड को मैथमेटिकल कम्युनिटी के अंदर मेथड ऑफ एग्जॉशन यानी कि थकान देने वाले मेथड के नाम से जाना जाता है। अब अगर किसी इंसान ने पाई की वैल्यू को 35 डिजिट्स तक फिगर आउट करने के लिए अपनी जिंदगी के 25 साल मतलब अपनी लगभग आधी जिंदगी गुजारी हो तो ये तो बनता है ना कि इस वैल्यू को उसके साथ में परमानेंट कर दिया जाए। यही कारण है कि इनके टूम्बस्टोन पर आज भी ये वैल्यू लिखी हुई है। ये 2000 साल लंबी कहानी बताने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हम लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की अहमियत को समझ सके। हम ये समझ सकें कि लगभग 2000 सालों तक किसी ने सवाल ही नहीं उठाया, किसी ने देखा ही नहीं कि यार पाई की वैल्यू को किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी जाना जा सकता है, किसी और मेथड का भी यूज किया जा सकता है पाई की वैल्यू को और आसानी से फिगर आउट करने के लिए। एग्जैक्टली न्यूटन ने यही किया। न्यूटन ने बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाई को खोज निकाला और एक ऐसा मेथड दिया जिसका यूज करके जो काम लुडोल्फ चाचा ने 25 साल अपनी जिंदगी के लगा के किया था वो काम हम कुछ दिनों के अंदर खत्म कर सकते हैं। और इसी मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हिट लाइक इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल को।